हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा टिंडा। तो सबसे पहले मैंने इसको धो लिया है अच्छे से, और उसके बाद में इसका डंडी वाला पार्ट और बैक साइड से जो ब्लैक सा हिस्सा होता है उसे हम इसको काट देंगे बिल्कुल। और उसके बाद क्लीन होने के बाद अब मैं इसको हल्का हल्का सा छील दे रही हूँ जहाँ से भी मुझे गंदा लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको पूरा इसका छिलका उतार दें, अदरवाइज़ आपको ऐसे ही बनाएं तो ताज़े लेके बनाएं टिंडे तो बहुत अच्छा बनता है। अब मैंने सेंटर से टिंडे को दो कट लगा दिए हैं, मतलब इसके चार टुकड़े नहीं करने हैं हमको, नीचे से पूरा कट लगाना है क्योंकि हमें इसमें मसाला भरना है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नमक ही भरा है ताकि इसका पानी जो है कुछ देर रखने के बाद अच्छे से निकल जाए। आप चाहें तो इसमें नमक और हल्दी लगा के और मिर्ची लगा के इसको भर के रख सकते हैं। एक पैन में और कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। कढ़ाई में मैं तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने ज़ीरा, अजवाइन और आप चाहें तो इसमें धनिया, सूखा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। और तीनों ही मसालों को मैं भून लूँगी अच्छे से। और उसके बाद इसमें मैं साथ ही में ऐड कर दे रही हूँ चॉप्ड प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची को मैंने साथ ही में चॉप कर लिया था चारों चीज़ों को, और फाइन चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है तो पैन में, तो उसमें मैंने जो टिंडों में नमक लगा के रखा था उसको मैंने ओवरनाइट रखा था। आप चाहे तो आधा घंटा 15 मिनट रख सकते हैं, काफ़ी सारा पानी निकलेगा उस टिंडों में से। और उसके बाद मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई आपको इनको बहुत देर नहीं करना है, जस्ट 5 मिनट के लिए आपको इसको हल्का फ्राई करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें से इतना पानी निकला था। जब तक ये टिंडे फ्राई हो रहे हैं तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़के को मैंने अच्छे से भून लिया है, प्याज को अच्छे से भुनने देंगे इसको। ये अच्छे से भुन चुका है, अब बारी आती है इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ लाल मिर्ची और हल्दी। मैंने इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, तो आप चाहें तो अपनी अकॉर्डिंगली जो भी आपको मसाले अच्छे लगते हों इसमें आप ज़रूर ऐड करें। उसके बाद मैंने प्यूरी बना के रखी है दो टमाटर की, मीडियम साइज टमाटर लिए थे मैंने, उसकी प्यूरी बना के इसमें ऐड कर दी है। और इसको अच्छे से हमें कुक कर लेना है नमक डाल के। तो थोड़ा सा वीडियो मुझसे मिस हो गया है, सॉरी उसके लिए। टिंडे मैंने निकाल लिए थे, अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ नमक। नमक डाल के इसको अच्छे से हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करने की बारी है पानी, बिल्कुल हल्का सा पानी हमें इसमें ऐड करना है ताकि टिंडे अच्छे से कुक हो जाए जब इसमें डालें हम, ठीक है। तो थोड़ी सी हल्की सी थिक सी ग्रेवी हमें चाहिए जो टिंडे अच्छे तरह से कोट हो जाए। तो अब इसको ढक के मैं रख दूँगी जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए। और अब इसमें डाल देंगे हम टिंडे। टिंडे को हमें ओवर कुक नहीं करना है ताकि वो थोड़े से हमें क्रंचीपन सा उसमें आए सब्ज़ी में, वो अच्छा लगेगा। तो अब इसको ढक के हम रख देंगे 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। टिंडे अच्छे से पक चुके हैं, देखिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसको कर दूँगी मैं सर्व। टिंडे तो आपने बहुत तरीके से खाए होंगे, इस बार इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाके लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा तो उसको जल्दी से क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को और नई वीडियोस के लिए अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बारी है इसको गार्निश करने की धनिया के साथ। धनिया के साथ हर सब्ज़ी का स्वाद जो है वह दुगना हो जाता है। तो इन्जॉय कीजिए टिंडा इस तरीके से इस बार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही में लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।